किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पापा सूरज की तरह होते हैं, सूरज गर्म जरूर होता है लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी इमोशनल सी कहानी है महेश जी की। उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, घर में वो और उनका बेटा रहते थे। उनका बेटा एक कंपनी में जॉब करता था। महेश जी रिटायर हो चुके थे, इंतजार करते थे कि बेटा शाम में आ जाए तो उससे थोड़ी बात करें, मन हल्का हो जाए, इधर उधर की बातें हो जाए, बेटे के हालचाल जान लें। लेकिन अमन आता था और आकर के फ़ोन यूज़ करने लगता था, डिनर करता था, सो जाता था, पापा से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता था। महेश जी को लगा कि कुछ मुझे अपनी तरफ से स्टेप लेने होंगे, तो उन्होंने फ़ोन ख़रीद लिया एंड्रॉयड वाला और सोशल मीडिया वगैरह सीखने लगे। एक शाम में अमन आया तो महेश जी ने उससे कहा कि बेटा सुनो, मुझे इस फ़ोन में कुछ सीखना है, तुम सिखा दोगे? अमन ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों से भरा बैठा था, कुछ कहना चाह रहा था। वो चिल्लाने लगा, पापा आप गजब करते हो, मैं सुबह से काम करता हूँ, आया और आपको अभी भी कुछ सीखना है, ये नहीं कि बेटा आया तो उसको रेस्ट करने दे, करने दे। महेश जी का मुंह लटक गया, उदास हो गए। उन्होंने कहा छोड़ो ना, क्या मतलब है। आंखों में आंसू आ गए लेकिन कुछ बोले नहीं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर दोनों साथ में थे। पापा ने बेटे के लिए बड़ा अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया था, बड़े चाव से खा रहा था। उन्होंने लगा कि मूड अच्छा है, तो उन्होंने फिर से कहा कि बेटा वो पास में गुड़िया रहती है ना, उसने मेरा सोशल मीडिया पर अकाउंट तो बना दिया, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो सिखा दोगे? अमन जो था वो तेज तेज हंसने लगा, बोले पापा, उसको जोर की हंसा, उसने बोला पापा आप क्या कर रहे हो इस उम्र में, आपको ये सब सोशल मीडिया चलाने की क्या सूझ गई और क्या सीखना है आपको, आप छोड़ो इस फोन उनको, अखबार पढ़ा करो, ये करा करो करो, बहुत सारा ज्ञान दे दिया उसने और चला गया ऑफिस। उसी शाम में जब वापस आया तो फिर से कोशिश की महेश जी ने बात करने की, वो इग्नोर करके चला गया। डिनर करके अपना सो गया, रात में उसकी नींद खुली। बाहर आया था फ्रिज से बॉटल लेने के लिए पानी की, तो उसने देखा कि पापा के रूम की लाइट जल रही है। उसे टेंशन हो गई, क्या बात हो गई। उसने खिड़की में से झांका तो पापा अंदर मोबाइल यूज कर रहे थे। उसने कहा अभी भी पता नहीं क्या पगला गए हैं, क्या हो गया इनको, बड़बड़ा के सोने चला गया। अगली सुबह जब वो जगा और जब उसने इंटरनेट ऑन किया, डेटा कनेक्शन ऑन किया और सोशल मीडिया में गया, अपना यूज करना शुरू किया, तो उसने देखा कि पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनके अकाउंट में गया तो देखा कि पापा ने पहला पोस्ट किया है जो कि अमन की फोटो है और उस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो। अमन को अब समझ में आया कि ये था वो इंपॉर्टेंट काम, फोटो कैसे पोस्ट करते हैं, जो वो पूछना चाहते थे। और अमन उन्हें सुनाया जा रहा था, 5 मिनट का टाइम नहीं दे रहा था। अमन की आंखों में आंसू थे, वो दौड़ के गया, पापा के गले लग गया और कहने लगा सो सॉरी, मैं समझ ही नहीं पाया। बहुत छोटी सी कहानी, अपने जब हमेशा हमारे साथ होते हैं तो हमें उनकी वैल्यू पता नहीं चलती, जब वो दूर चले जाते हैं तो अहमियत पता चलती है। इससे पहले कि वो दूर हो जाएं, प्रेम बनाए रखिए, रिश्तों में प्रगाढ़ता बनाए रखिए, अथाह प्रेम के साथ रहिए। परिवार में प्यार होता है तो बहुत सारी खुशियां अपने आप चली आती हैं। एक बार फिर से वही बात, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे एक लर्निंग सीरीज का नया वीडियो।